स्वागत आप सभी का एशिया एक्सप्रेस टीवी में। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। पिछले दो दिनों से आपने एक वीडियो जो है बच्चों को किडनैपिंग को लेकर देखा होगा, काफी तेजी से वायरल हो रहा है। उसमें एक बच्चा जो है गाड़ी के बीच में बैठकर कह रहा है कि वो कहीं पर उसको किन लोगों ने ले जाया गया। उस रूम के अंदर 25 से 30 बच्चे थे, उनमें से दो उसके साथ और एक बच्चा जो है भागे, उसके अलावा दो बच्चों का खून निकल रहा था। इस वीडियो को लेकर हमने देखा कि पेरेंट्स के अंदर कहीं ना कहीं एक डर का माहौल देखा जा रहा है बच्चों के किडनैपिंग को लेकर। जब हमने उस इलाके के पीआई, उस जिनसी इलाके में जो कटकड़ी गिराता है वहां के पीआई से जब बात की, उन्होंने उस रिपोर्ट में कहा, आप देखिए और क्या इस वीडियो का सच है, उन्होंने इसको क्लियर कहा। बच्चे कितने हैं रूम के अंदर? 20 से 25 बहुत बच्चे। लड़के हैं कि लड़के पूरे? लड़के भी हैं, लड़के भी। हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था कटकड़ी गेट पर एक बच्चे का, कि वहां पर किडनैपिंग हुई है और 20 से 25 बच्चे उस रूम में है। तो क्या जिनसी प्रशासन ने उसके ऊपर कार्रवाई की? क्योंकि वहां के हद्दी के अंदर देखा जा रहा है कि जितना वीडियो वायरल हो रहा है उसी के चलते लोगों में एक डर का माहौल है। तो आप एक जिनसी प्रशासन के पीआई होने के नाते आपने क्या इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की है या फिर क्या जानकारी है आपके पास? 17 तारीख को सवेरे 8 बजे रिहान अली लड़का है जो 12 साल का है और उसका बड़ा भाई पुलिस स्टेशन में आए थे। तुरंत उन्होंने बच्चे ने वाक्य बताया था कि वो घर से जाते समय उसको कोई लोग उठा के ले गए। तो तुरंत हमने उसको स्टाफ में स्टाफ भेजा था, उसको स्पॉट देखा हमने जाके, वहाँ पे जो स्पॉट है वहाँ सीसीटीवी है, वहाँ से वो पूरा सीसीटीवी चेक किए, वहाँ ऐसा कुछ इंसिडेंस नहीं था। बाद में बच्चे ने बोला था कि कटकट गेट के पास से वो एक रूम से भाग के आ गया, तो पूरा रूट जाके देखा लेकिन वो लड़का वहाँ पे कोई रूम नहीं बता सका। बाद में उसके पिताजी से कांटेक्ट किए, उन्होंने पिताजी ने बोले थे कि वो स्कूल में नहीं गया था करके उसको सवेरे उसको डांटा था। तो इस हिसाब से वो पूरा उसने जो वाक्य बताया था वो कौन सा व्हीकल से गया था वो कुछ नहीं बता पाया और जहाँ से लेके गए थे वहाँ के पूरे सीसीटीवी में भी कहीं उसका वो दिखता नहीं है। वो स्कूल में नहीं जाने के कारण पिताजी ने डांटा था, तो इसी वजह से ऐसा उसने बताया था। तो ये पूरा उसी दिन वेरीफाई कर दिया था, ऐसी कोई वाक्य हुआ नहीं है। इसलिए किसी भी बच्चों ने या उसके घर वालों ने ऐसे घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा वीडियो वायरल होने से लोगों में थोड़ा डर का माहौल पैदा हुआ था लेकिन ऐसी कोई डर की बात नहीं है। ऐसी कोई बात होगी तो पुलिस स्टेशन में तुरंत कॉन्टैक्ट करना चाहिए। आपने उसका वेरिफिकेशन पूरा कर दिया सर? यस, उसका वेरिफिकेशन उसी दिन कर दिया हमने, तुरंत कर दिया था। जैसे ही वो पुलिस स्टेशन में आया तुरंत वो उसके साथ में अपना पुलिस स्टाफ भेजा था और वो पूरा रूट चेक किया था हमने, वहाँ के सीसीटीवी चेक किए थे लेकिन ऐसा कुछ वहाँ मालूम नहीं हुआ।